महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के लिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु संघवी और कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए हैं। वहीं एडिट सॉलिटर जनरल तुषार मेहता दूसरे पक्ष की तरफ से कोर्ट में पहुंचे थे। इनके अलावा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट सोमवार सुबह 10:30 बजे सॉलिटर जनरल को देवेंद्र फडणवीस के द्वारा राज्यपाल के समक्ष पेश किए गए दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल दोबारा से सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को केंद्र का लेटर पेश करने को कहा है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधानसभा कोर्ट को सम्मान दे और कोर्ट को भी सदन को सम्मान देना चाहिए। जस्टिस रमन्ना, मिस्टर रोहतगी सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर सेटल कर चुके हैं। राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री के पद का शपथ नहीं दिला सकता है। बीजेपी विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कह सकता है। रोहतगी इसी पर दलील दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले कोर्ट ने कई मौकों पर ऐसा कर चुका है। अजीत पवार के द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी पत्र अमान्य और भ्रामक है, जबकि एसआई बोमई केस का हवाला देकर सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट सबसे अच्छा फैसला है। सिंघवी ने कर्नाटक के केस का हवाला दिया कि फ्लोर टेस्ट सबसे बेहतर तरीका है। झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा का उदाहरण देते हुए सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। सिंघवी 1998 में यूपी के मामले में 2018 में कर्नाटक मामले का उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। सिंघवी 1998 में यूपी के मामले में 2018 में कर्नाटक मामले का उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। बता दें कि बीजेपी से नाता तोड़ चुकी पार्टी ने इस मामले में शीर्ष अदालत से बीती रात याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि खरीद फरोख्त रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि 24 घंटों के भीतर बहुमत साबित करे। याचिका स्वीकार कर ली गई है और सुनवाई के लिए रविवार को यानी कि आज सुबह 11:30 बजे का समय तय किया गया था।